भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक दुनिया आपको झुकाने की कोशिश करेगी। कभी कभी सही रास्ता कठिन होता है, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको सच्ची सफलता तक ले जाता है। सफलता पाने के लिए मजबूती और कड़े फैसलों की जरूरत होती है, लेकिन अपनी मानवता कभी मत खोइए। जो सही के लिए लड़ता है उसे ही असली सफलता मिलती है। कभी कभी आपको दूसरों की अपेक्षाओं के खिलाफ जाना पड़ता है, लेकिन अपने सिद्धांतों को बनाए रखें। सफलता की राह में यदि संघर्ष जरूरी हो तो उसे अपनाएं, लेकिन नैतिकता का दामन कभी मत छोड़ें। दूसरों को बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर हैं तो डरने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे बनो तभी सफल बनोगे। जैसी सोच को कई बार हमारी असफलताएं और समाज में हो रही घटनाओं के कारण जन्म मिलता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं में कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि सिर्फ बुरे या चालाक लोग ही सफल होते हैं, लेकिन यह जीवन का एक पक्षीय दृष्टिकोण है और इसके पीछे गहराई से देखने की जरूरत है। अगर आप इसे श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह सत्य और धर्म के वास्तविक अर्थों को समझने में मदद करेगा। यह एक विवादास्पद और गलतफहमी पैदा करने वाला विचार हो सकता है। इस विचार का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को अनैतिक, क्रूर या दूसरों के प्रति बुरा बनना चाहिए, बल्कि इसका एक संभावित अर्थ यह हो सकता है कि समाज में या व्यक्तिगत रूप से सफलता पाने के लिए कभी कभी आपको कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, अपने हितों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जो दूसरों को बुरे लग सकते हैं। कई बार लोग इसे इस रूप में समझते हैं कि आपको अत्यधिक कठोर होना पड़ेगा या अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाकर सफलता हासिल करनी होगी, लेकिन वास्तव में सफलता के लिए सच्चाई, धैर्य और मेहनत का महत्व ज्यादा होता है। अगर कोई केवल बुरा बनकर सफलता पाने की कोशिश करता है तो वह सफलता शायद अस्थायी होगी और दीर्घकालिक रूप से उसके व्यक्तिगत संबंधों, संतोष और आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सही मायने में सफलता के लिए कठिन लेकिन नैतिक फैसले और धैर्य से काम लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि अनैतिक या क्रूर होना। श्री कृष्ण का पूरा जीवन और उनकी शिक्षाएं जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और धर्म का पालन करने पर जोर देती हैं। चाहे वह महाभारत का युद्ध हो या गीता का उपदेश, उन्होंने हमेशा नैतिकता, धर्म और कर्म का सही मार्ग दिखाया है। हालांकि कई बार जीवन की कठिनाइयों के सामने लोग धर्म को छोड़कर चालाकी और धूर्तता की ओर रुख करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सफलता का यही मार्ग है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्षों के बावजूद सही रास्ते पर चलते रहना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दिया, लेकिन यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था, न कि किसी स्वार्थ या धूर्तता के लिए। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई और सत्य की जीत का पक्ष लिया। यदि वह बुरे बनकर जीतना चाहते तो यह उनके लिए आसान था, लेकिन उन्होंने धर्म के मार्ग को ही अपनाया। इसलिए जीवन में जो चुनौतियां आती हैं उन्हें झेलना और सही मार्ग पर डटे रहना ही असली सफलता है। श्री कृष्ण का कहना था कि जीवन में सफलता पाने के लिए नैतिकता और धर्म का पालन जरूरी है। बुरा बनकर मिलने वाली सफलता न तो स्थायी होती है और न ही वह आत्मसंतोष देती है। सफलता को कई लोग सिर्फ आर्थिक लाभ, प्रतिष्ठा या अधिकार के रूप में देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक व्यापक है। उनके अनुसार सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपने जीवन को ऐसे जिएं कि वह न केवल आपको आत्मसंतोष दे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में आपका असली उद्देश्य अपने कर्मों से दूसरों का भला करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सफलता है। बुराई से प्राप्त की गई सफलता अस्थाई है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त की गई सफलता स्थाई और सुखद होती है। लेकिन श्रीकृष्ण का संदेश है कि सच्ची सफलता सिर्फ धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होती है। जीवन का कड़वा सच यह नहीं है कि बुराई से सफलता मिलती है, बल्कि यह है कि असली और स्थायी सफलता अच्छे कर्मों और धर्म के पालन से ही मिलती है। बुरे बनो तभी सफल बनोगे।
जैसी धारणा हमारे समाज में इसलिए प्रचलित हो गई है क्योंकि अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि चालाक, स्वार्थी और अनैतिक तरीके से काम करने वाले लोग तेजी से सफल होते हैं। यह धारणा मानवीय समाज में पनपी निराशा और कठिनाइयों का परिणाम हो सकती है। हम देखते हैं कि ईमानदार और नैतिक लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जबकि चालाक और धूर्त लोग आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की सोच की वजह यह भी हो सकती है कि लोग अक्सर बाहरी सफलता को ही मापदंड मानते हैं, जैसे पैसा, शक्ति और प्रतिष्ठा। लेकिन वास्तविकता में सफलता का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं या कितने बड़े पद पर पहुंचते हैं। सफलता का एक गहरा अर्थ है जो कि व्यक्ति की आंतरिक संतोष, आत्मिक शांति और नैतिकता से जुड़ा होता है। पहले हमें यह समझना होगा कि सफलता का सही अर्थ क्या है। अधिकांश लोग इसे सिर्फ भौतिक संपत्ति, ऊंचे पद या समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने तक सीमित कर देते हैं। हालांकि सफलता का यह दृष्टिकोण संकुचित है। सच्ची सफलता का संबंध जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और संतोष प्राप्त करने से है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक संबंध हो या आत्मिक संतोष। समाज में यह आम धारणा है कि जो लोग स्वार्थी, अनैतिक या चालाक होते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि वे लोग नैतिकता, ईमानदारी और सच्चाई को छोड़कर सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं और अपने लक्ष्य को किसी भी तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए साधनों से अधिक महत्व उनके परिणाम को होता है। बुरे कर्म करने वाले लोग अक्सर तात्कालिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जो समाज को यह संदेश देती है कि अनैतिक तरीकों से ही सफलता हासिल की जा सकती है। ये लोग जल्दी से पैसा, शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, जो दूसरों के लिए आकर्षण का कारण बनता है। लेकिन यह सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती और अक्सर ऐसे लोगों को अंत में पछताना पड़ता है। जीवन में संघर्ष और असफलताओं के कारण लोग जल्दी से हार मान लेते हैं और धैर्य खो देते हैं। ऐसे में वे सोचते हैं कि अगर वे चालाक या अनैतिक तरीके अपनाएंगे तो उन्हें सफलता जल्दी मिल जाएगी। ईमानदार और नैतिक लोग कभी कभी समाज में पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते। आज के दौर में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। लोग सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। ऐसे में बुरा बनकर सफलता पाने की सोच प्रबल हो जाती है। जब हम देखते हैं कि अनैतिक और स्वार्थी लोग समाज में ऊंचे पदों पर हैं तो यह धारणा और मजबूत होती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि बुरे बनकर जो सफलता प्राप्त होती है वह अस्थायी होती है। ऐसे लोग समाज में अपने लिए सम्मान और विश्वास खो देते हैं। उन्हें निरंतर भय और असंतोष के साथ जीना पड़ता है क्योंकि उनके अनैतिक कार्यों का प्रभाव उनके जीवन पर गहरा पड़ता है। बुरे बनकर भौतिक सफलता तो मिल सकती है लेकिन वह आत्मिक शांति और संतोष प्रदान नहीं करती। व्यक्ति अपने ही बुरे कर्मों के बोझ तले दबा रहता है। भले ही बाहर से वह सफल दिखे लेकिन अंदर से वह असंतोष और अपराध बोध महसूस करता है। बुरे बनकर सफलता पाने वाले लोग अक्सर अपने व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में विफल होते हैं। वे दूसरों के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं और उनकी विश्वसनीयता खो जाती है। अंततः उनके संबंध टूटने लगते हैं और वे अकेले पड़ जाते हैं। जिन लोगों ने नैतिकता और सच्चाई के रास्ते पर चलकर सफलता पाई है उनकी सफलता स्थायी होती है। वे समाज में आदर और सम्मान पाते हैं और उनके कार्यों का सकारात्मक प्रभाव दीर्घकालिक होता है। इतिहास और जीवन के उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि बुराई से प्राप्त की गई सफलता अंततः नष्ट हो जाती है, चाहे वह भ्रष्टाचार हो, धोखा हो या अनैतिक काम हो। इन सब का परिणाम नकारात्मक ही होता है। बुराई से प्राप्त सफलता व्यक्ति को स्थायी खुशी नहीं दे सकती और अंततः उसे समाज में अपने किए हुए कर्मों का सामना करना पड़ता है। बुरे कार्य करने वाले लोग अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। वे हमेशा एक अपराध बोध के साथ जीते हैं क्योंकि उनका दिल जानता है कि उन्होंने गलत किया है। यह भावना उनके मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन को बुरी तरह प्रभावित करती है। बुरे काम करने वाले लोग अक्सर कानून की नजर में आते हैं और उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। वे समाज में अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता खो देते हैं, चाहे वह आर्थिक घोटाला हो या किसी को धोखा देना। अंततः
कानून उन्हें सजा देता है। बुरे कार्य करने वाले लोग जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन खो देते हैं। वे अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ अपने रिश्तों को नष्ट कर देते हैं। उनकी सफलता का अंत व्यक्तिगत असंतोष और सामाजिक अलगाव में होता है। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी यह बताया गया है कि सच्ची सफलता धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। चाहे वह भगवद गीता हो, बाइबल या अन्य कोई धार्मिक ग्रंथ, सभी में यह संदेश दिया गया है कि सच्चाई और ईमानदारी ही व्यक्ति को वास्तविक सफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्म धर्म के अनुसार करने चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अनैतिकता और चालाकी से पाई गई सफलता टिकाऊ नहीं होती, जबकि नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भारतीय संस्कृति में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे कर्मों से प्राप्त की गई सफलता भी अंततः नष्ट हो जाती है और व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। नैतिकता और सफलता के बीच एक गहरा संबंध है। भले ही बुरे लोग तात्कालिक सफलता प्राप्त कर लें, लेकिन नैतिकता के साथ जीने वाले लोग दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करते हैं। नैतिकता व्यक्ति को आत्मसंतोष, समाज में सम्मान और जीवन में संतुलन देती है। जो लोग ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, वे जीवन में ज्यादा संतोष और शांति प्राप्त करते हैं। उनकी सफलता का आधार मजबूत होता है और वे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। नैतिकता के साथ जीने वाले लोग अपने कार्यों का सकारात्मक प्रभाव दीर्घकाल तक छोड़ते हैं। उनकी सफलता समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करती है और लोग उन्हें सम्मान और आदर के साथ देखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बुराई से पाई गई सफलता अस्थाई होती है और व्यक्ति अंत में अपने कर्मों का दुष्परिणाम भुगतता है। श्री कृष्ण और अन्य महान नेताओं ने हमें सिखाया है कि सच्ची सफलता धर्म, नैतिकता और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समझते कि सच में व्यक्ति को सफलता पाने के लिए बुरा बनना जरूरी है या सिर्फ एक धारणा समाज में बनी हुई है कि बुरा बनने से ही सफलता मिलती है। एक छोटे से गांव में एक युवा, जिसे सभी विक्रम के नाम से जानते थे, रहता था। विक्रम बचपन से ही बहुत तेज और बुद्धिमान था। उसके माता पिता ने उसे ईमानदारी और मेहनत के महत्व का पाठ पढ़ाया था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके विचार बदलने लगे। समाज में उसने देखा कि चालाक और धूर्त लोग तेजी से सफल हो रहे थे, जबकि ईमानदार लोग संघर्ष कर रहे थे। धीरे धीरे उसने यह मानना शुरू कर दिया कि सफलता प्राप्त करने के लिए बुरा बनना आवश्यक है। विक्रम ने अपनी किशोरावस्था में गांव के स्कूल में दाखिला लिया था, लेकिन वहां भी उसने देखा कि जो बच्चे धोखाधड़ी करते थे और टीचर्स की चापलूसी करते थे, वे आसानी से अच्छे नंबर पा जाते थे। जबकि वह मेहनत करता, लेकिन उसे हमेशा लगता कि उसकी मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिल रहा जितना उसे मिलना चाहिए। एक दिन जब स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, तो विक्रम ने देखा कि उसके एक सहपाठी राघव, जो हर बार नकल करके अच्छे नंबर लाता था, फिर से प्रथम स्थान पर आया था। विक्रम की मेहनत के बावजूद वह दूसरे स्थान पर रहा। यह घटना विक्रम के मन में एक गहरी चोट की तरह लगी और उसने सोचा, क्या ईमानदारी से काम करने का कोई मतलब है? क्या बुरे लोग ही सफल हो सकते हैं? उस घटना के बाद विक्रम ने फैसला किया कि अब वह भी सफलता पाने के लिए चालाकी और धूर्तता का सहारा लेगा। उसने सोचा कि अगर लोग बुरे बनकर आसानी से सफल हो सकते हैं, तो वह क्यों नहीं। उसने अपनी नैतिकता और मूल्यों को किनारे रखकर अपने तरीके बदलने का फैसला किया। अब वह भी परीक्षा में नकल करने लगा और शिक्षकों की चापलूसी करने लगा। धीरे धीरे उसकी चालाकी काम आने लगी। अगले साल की परीक्षा में उसने नकल करके अच्छे नंबर प्राप्त किए और प्रथम स्थान प्राप्त किया। गांव में उसकी तारीफें होने लगी और उसे एक सफल छात्र के रूप में देखा जाने लगा।
विक्रम को ऐसा महसूस होने लगा कि उसने सही रास्ता चुन लिया है। विक्रम की नई रणनीति काम करने लगी थी। उसने देखा कि अब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और उसका मान सम्मान भी बढ़ गया था। उसने महसूस किया कि दुनिया में जो लोग चालाक होते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। उसने यह सोच लिया था कि ईमानदारी का कोई महत्व नहीं है। अब वह समाज में उन लोगों के साथ घुलने मिलने लगा जो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए काम करते थे और दूसरों को धोखा देते थे। उसने अब अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफलता को मान लिया था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। धीरे धीरे विक्रम अपने गांव से बाहर शहर की ओर बढ़ा, जहां उसने और भी बड़ी चालाकियों से सफलता प्राप्त करनी शुरू की। शहर में उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली और वहां भी अपनी धूर्तता का सहारा लेकर उसने अपने अधिकारियों का ध्यान खींचा। विक्रम की चालाकियों और धूर्तता ने उसे तेजी से आगे बढ़ाया। वह अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन चुका था। उसने अपने सहकर्मियों को धोखा दिया, उनके काम का श्रेय खुद लिया और अपनी योजनाओं से अपने अधिकारियों को प्रभावित किया। हर कोई उसकी तेजी से हो रही तरक्की से हैरान था और विक्रम खुद को सफल समझने लगा था। उसके माता पिता, जो हमेशा उसे ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, अब उसके इस बदलते स्वभाव से चिंतित रहने लगे। लेकिन विक्रम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सोचता था कि जीवन में सफल होने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता है। हालांकि विक्रम की सफलता लंबे समय तक टिक नहीं पाई। उसकी धूर्तता और चालाकियों का अंत आने वाला था। एक दिन कंपनी में एक महत्वपूर्ण परियोजना आई, जिसके लिए विक्रम को प्रमुख भूमिका दी गई। इस परियोजना पर काम करने के दौरान विक्रम ने फिर से अपनी पुरानी चालाकियों का सहारा लिया और झूठे दस्तावेज बनाकर अधिकारियों को प्रस्तुत कर दिए। शुरुआत में उसकी योजना सफल होती दिखी, लेकिन एक जांच के दौरान उसकी सारी सच्चाई सामने आ गई। कंपनी ने तुरंत विक्रम को नौकरी से निकाल दिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। विक्रम का करियर बर्बाद हो चुका था। अब उसके पास न तो नौकरी थी न ही सम्मान। विक्रम की चालाकियों का पर्दाफाश होने के बाद समाज ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। जिन लोगों ने कभी उसकी सफलता की तारीफ की थी, वे अब उससे दूरी बनाने लगे। उसकी साख बर्बाद हो चुकी थी। उसके रिश्तेदारों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। विक्रम के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी धूर्तता और चालाकी उसे इस हद तक ले जाएगी कि वह अपनी सारी मेहनत, सफलता और सम्मान खो देगा। विक्रम को अब एहसास होने लगा था कि उसकी असफलता का कारण उसकी चालाकी और धूर्तता थी। उसने देखा कि जो लोग नैतिकता और ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे, वे भले ही धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन उनकी सफलता स्थायी थी। वे समाज में सम्मानित थे और उनका आत्मसंतोष भी उन्हें खुश रखता था। अब विक्रम को यह समझ में आ गया कि सच्ची सफलता सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता आत्मसंतोष, सम्मान और नैतिकता से जुड़ी होती है। अपनी असफलता से सबक लेकर विक्रम ने निर्णय लिया कि अब वह जीवन में फिर से सही मार्ग पर लौटेगा। उसने अपने पुराने अनुभवों से सीखा और अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, जहां वह ईमानदारी और सच्चाई से काम करने लगा। धीरे धीरे समाज ने उसे फिर से स्वीकार करना शुरू किया। वह अब अपनी गलतियों का पश्चाताप कर चुका था और जीवन में सच्चे अर्थों में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था। विक्रम की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई और धूर्तता से प्राप्त की गई सफलता अस्थाई होती है। यह कहानी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि भले ही शुरुआत में चालाकी और धूर्तता से सफलता मिल जाए, लेकिन अंत में उसका परिणाम नकारात्मक ही होता है। सच्ची सफलता वही होती है जो ईमानदारी, नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाए। विक्रम की कहानी यह बताती है कि बुरे बनकर हासिल की गई सफलता का अंत हमेशा पछतावे और पराजय में ही होता है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।